हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपी पुलिस की तरफ से, एसआई यानी सब इंस्पेक्टर पोस्ट की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म कब आएगी, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, इनिशियली इन हैंड सैलरी क्या दिया जाएगा, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जॉब को लेकर अगर थोड़े से भी सीरियस हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा आपको बताया है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका जो है 2469 सीट्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। फॉर्म की फ़ी की बात करें तो आपको ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट आपका एससी एसटी 400 रुपीज़ लगने वाला है। एससी एसटी में भी जो ना यूपी के रेसिडेंट होंगे उनको फ़ी नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज जो सारे कैंडिडेट है अदर स्टेट के, जनरल ओबीसी डब्ल्यू, सबका 400 रुपीस रहने वाले हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम रहेगा 21 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स रखा गया है आपका एज लिमिट। रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ओबीसी एंड एससी एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो आपका ये नोटिफिकेशन फ्रेंड 15 जुलाई को आ गया था। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपका ये फॉर्म ना फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाएगा आपका सितंबर 2023 में। सो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाता है ना तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बहुत जल्द ये हो जाएगा। तो आप ना अपनी तैयारी को बस अभी से स्टार्ट कर दो। बाकी फॉर्म आएगा, अप्लाई करोगे, वो प्रोसेस चलता रहता है, बट आपका तैयारी ना रुकना नहीं चाहिए। तो चलो आगे बता देती हूँ कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका मिनिमम 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। रही बात एग्ज़ाम की डेट की, तो फ्रेंड्स आपका रिटेन एग्ज़ाम का भी अनाउंसमेंट हो गया कि आपका ये पेपर फ्रेंड्स दिसंबर 2023 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। सो समझ रहे हो, फॉर्म आएगी उसके बाद आपको तैयारी करने का मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी से तैयारी करो, या फिर आप तो पहले से सब कोई तैयारी में लग ही जाते, तो तैयारी को ना ब्रेक नहीं होने देना है, एकदम कंटिन्यूसली तैयारी करते रहना है। सो आओ अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है रिटेन एग्जाम, देन होता है आपका डीवी एंड पीएसटी, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद होता है आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर एक सिंपल सा मेडिकल होके और आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। सो चलो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न क्या रहने वाली है। 160 क्वेश्चन का पेपर होगा 400 मार्क्स के लिए। टाइम आपको फ्रेंड्स 2 आवर्स का इसमें मिलता है। नो निगेटिव मार्किंग, रिटेन एग्जाम रहेगा आपका। इसमें फ्रेंड्स आपको जनरल हिंदी के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज के आपको 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, देन आपका रहता है मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट सब्जेक्ट आपका होता है रीजनिंग, उसका भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। सो आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा आपका, फिजिकल। तो फिजिकल का क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देती हूँ अब। फिजिकल में फ्रेंड्स सबसे पहले पीएसटी होता है यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो उसमें फ्रेंड्स आपका हाइट मेजर किया जाता है। मेल कैंडिडेट्स जनरल ओबीसी एंड एससी का 168 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, एसटी वालों के लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मिनिमम 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें तो सिर्फ मेल कैंडिडेट का मेजरमेंट होता है, फीमेल्स की नहीं होती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 79-84 सेंटीमीटर एंड एसटी कैंडिडेट्स का 77-82 सेंटीमीटर।
देन फ्रेंड्स होता है वेट का मेजरमेंट। तो जैसे चेस्ट सिर्फ मेल का होता है कैलकुलेट, वैसे ही सिर्फ वेट ना फीमेल्स का देखा जाता है। तो 40 केजी वेट मिनिमम फीमेल्स का होना चाहिए। सो आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया, फिजिकल क्लियर होगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि रिटेन एग्जाम में ना आपको कितना मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए एज अ परसेंटेज। मिनिमम फ्रेंड्स आपका ईच सब्जेक्ट में, मतलब यहाँ पे चार सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ईच सब्जेक्ट आपका 35% कम से कम होना चाहिए। ओवरऑल आपका 50% मिनिमम पासिंग मार्क्स दिया गया। तो इसको गौर करते हुए तैयारी करो फ्रेंड्स। बट प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ होती है ना, वो मेन चीज होता है, और उसको आप उससे अच्छा स्कोर करोगे तभी जाके एग्जाम में आपका स्कोप बनता है। सो फिजिकल में मैंने आपको बताया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो अब देख लेते हैं पीईटी, यानी कि आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग की टेस्ट होती है। मेल के लिए ये रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में, मतलब 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर जाना हो सकता है दौड़ना। और उसके बाद फीमेल्स की होती है रनिंग 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो भी आपको ये सब समझाया है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। हाँ, तो अब आपका रनिंग हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा आपका, आपका सिंपल सा मेडिकल होगा, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो जॉब की लोकेशन भी आप समझ गए होंगे, यूपी की जॉब है तो यूपी में ही लोकेशन रहेगा। और इनिशियल इन हैंड सैलरी मैं अभी आपको समझा देती हूँ। इनिशियली फ्रेंड्स आपको 27,900 रुपीज से स्टार्टिंग होती है, एंड आपका 1,04,400 तक इसकी सैलरी, मतलब इंक्रीमेंट्स के बाद लास्टली ये सैलरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब आप इस जॉब को ज्वाइन करते हो ना, तो आपका 45,000 टू 50,000 के बीच में ना स्टार्टिंग सैलरी होती है। बहुत अच्छा मौका है, अच्छे खासे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी देखने को मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, मतलब डबल स्टार जॉब है फ्रेंड्स, एक रुतबा ही अलग हो जाता है। तो आप इसके लिए ना अच्छे से मन लगा के तैयारी करो, अभी से ही फिजिकल एंड रिटेन सबकी तैयारी में लग जाओ। एंड आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताया है यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में आके क्वेरीज पूछो, मैं वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और भी ज़्यादा अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाओ वहाँ से फॉलो करो मुझे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ना ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आ जाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।